लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। यार एक बार जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना कि आपके बाल थिन है या थिक है, वेवी है, कर्ली है या स्ट्रेट है, आपको हेयर फॉल होता है या नहीं होता है वगैरह वगैरह, जब आप ये सब फिगर आउट कर लोगे उसके बाद ये टिप्स सुनना शुरू करो। तो चैप्टर वन है हेयर कट्स। अब हेयर कट और हेयर स्टाइल के बीच का डिफरेंस आपको पता है, हेयर कट वो है जो आप बार्बर के पास जाते हो उसे कहते हो ऐसे ऐसे काट दो, और हेयर स्टाइल वो है जो उस कटे हुए बालों को आप प्रोडक्ट वगैरह या बिना प्रोडक्ट लगाए भी स्टाइल करते हो। यार अगर आप एक शॉर्ट हेयर स्टाइल रखना चाहते हो ना तो हमेशा याद रखो, मतलब मेरी सबसे प्राइमरी टिप यही रहेगी कि साइड में और बैक में एकदम फेड करवा लो, स्पेशली साइड में। फेड का मतलब है जो यहाँ से एकदम छोटे बाल होते हैं और नीचे से ऊपर तक थोड़े थोड़े लंबे होते हैं। यार ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपके साइड में बाल ज्यादा होंगे तो आपका जो ऊपर से सर है वो ज्यादा फ्लैट लगेगा, लेकिन अगर आप साइड के बाल कम कर लोगे तो ऊपर से फ्लैट वाला जो अपीयरेंस है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके लंबे बाल हैं तो देखो लंबे बाल में वॉल्यूम उतनी नहीं आती, स्पेशली अगर आपके एकदम यहां तक लंबे बाल है, फिर उसमें आपको प्रोडक्ट यूज करना ही पड़ेगा। वो वाली सारी टिप्स पे मैं अभी नेक्स्ट वाले पॉइंट्स में आऊंगा। अच्छा यहाँ पे एक और बोनस टिप मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनका भी काउलिक होता है, काउलिक मतलब जो भवरा जिसको कहते हैं, जो यहाँ पे ऐसे घूम के एकदम खड़ा हुआ हो जाता है, वो चीज सॉर्ट करने का भी एक ही तरीका है। अगर आपके बाल छोटे हैं और आप फेड करवा रहे हो तो ये वाला जो पार्ट है इसको भी छोटा रखना। एंड अगर आप कोई लंबे वाले हेयर स्टाइल रखना चाहते हो, मीडियम वाले हेयर स्टाइल रखना चाहते हो, तो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लंबा रखना ताकि इसमें वेट आ जाए बालों में और वो नीचे की तरफ सेटल होने में आसानी हो जाए। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।